रास्तों में गर्द उड़ाती है, चल रही है वक्त की बेदर्द आंधी। देखो बहुत अच्छा लड़का है, आईटी इंजीनियर है और अपना देखा भला है। आप इस टॉपिक पर मेरे साथ बात मत कीजिए प्लीज। कान खोल कर सुन लो आदिल, मैं अपनी बेटी का हक किसी को छीनने नहीं दूंगी, समझे तुम? इसके लिए तुमने मेरी अलीना को छोड़ा, अपनी मंगेतर को छोड़ा? अगर तुम्हारा आदिल से कोई ताल्लुक था तो एक बार कह कर तो देखती। अब रहम की भीख मत मांगना, और अगर आइंदा मेरी बहन का नाम तुम्हारी जुबान पर आया ना, खैर गेट लॉस, जाओ यहां से। राधिया बेटा, मेरे बहुत दुख है, मैं नहीं देख सकती, मैं मर जाऊंगी, प्लीज राधिया प्लीज। अब वो मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता, मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। आप क्या जानते हैं मोहब्बत के बारे में, क्या समझते हैं मोहब्बत के बारे में? आपने तो अपनी अना की खातिर मेरी माँ को छोड़ दिया था, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया था? मेरी मोहब्बत की खातिर आप मेरी माँ को मेरे घर वापस नहीं ला सकते थे? इंकशाफ कर रहा हूँ कि तमाम गैर कानूनी काम मैं तुम्हारे कहने पर किए, और मेरे इनकार पर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मुझे पूरी फैमिली चाहिए, दोनों पेरेंट्स हैं मेरे और यतीमों की जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। फोन बंद नहीं करना, मेरी मेरी पूरी बात सुन लेना। कहो, अब मेरे लिए किसी बात की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। नीलम, बहुत जुल्म हो गया है नीलम। हाँ,
नीलम, अभय के साथ, अभय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, नहीं होना चाहिए था। नीलम, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। देखो, हमें कुछ कुछ करना होगा, कुछ करना होगा हमको। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना। हाँ, अच्छी बात तो यह है नीलम कि ना तो मैं तुमसे और ना ही राबिया से बात करने का हौसला रखता हूं। सब हो गया, सब हो गया राव। हाँ नीलम, ऐसा हो गया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि अदील ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया उसने ऐसा? राव, ऐसा लड़का नहीं था। जरूर जरूर इस बात के पीछे कोई पस मंजर होगा। पस मंजर क्या होगा, उन्हें क्या लेना देना है इस बात से? मेरी बच्ची राव, मेरी बच्ची, हमारी बच्ची राव। क्या दिया है हमने अपनी बच्ची को, सवाए दुख और तन्हाई के क्या दिया हमने उसे? ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। हमने अनजाने में कितने जुल्म किए उस पे। अनजाने में नहीं नीलम, दानिस्ता दानिस्ता जुल्म किया हमने उस पर, और इन सब का गुनाहगार मैं हूं। मैं नहीं, नहीं, मेरा भी कुछ हिस्सा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने आप से और अपनी बेटी से। इलम, इलम, कुछ करो, तुम भी कुछ करो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लो। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। क्या करूं, क्या करूं मैं? नीलम, जे मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे गुनाहों का मनहूस आया मेरी बच्ची पे आन पड़ा है। मेरे हवस की सजा है ये सब। ये सब कुछ मेरा किया धरा है नीलम, मेरा किया धरा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूं राव, तुम जानते हो औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो अपने मुकाम से नहीं गिर सकती। तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, शर्मिंदा हो, मेरे लिए यही बहुत। राव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। नीलम, मैं खुद चला जाऊंगा अदील के पास। मैं
मैं उसे माफी मांग लूंगा जाके। मैं अपनी बच्ची की खुशियों के लिए मैं उसके पांव पड़ जाऊंगा, मैं उसे माफी मांग लूंगा, मैं तो खुद जाऊंगा उसके पास। जाओ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हाँ, हम दोनों चलेंगे। तो दोनों चलते हैं। Is your mother? I don't believe this. Daddy. Yes, I'm your father. बस बेटा, मैं घर आ गई, अपने घर आ गई। मामा, कभी नहीं जाऊंगी। मैं अदील को लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। मैं लाऊंगी बेटा, I'll bring you. I don't want anything. मेरे पास अब सब कुछ है मामा, मेरी सारी उम्र मैं इस दिन के लिए तरसी हूँ मामा। I have everything, I don't want anything. Daddy, thank you. I just don't want anything. दिल फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हालात बहुत बिगड़ गए हैं, कुछ सही नहीं होगा। आप हैरान हूं बेटा, मैं तुम्हें हैरान होना भी चाहिए। हाँ बेटा, ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। I'm sorry. राव से बेटी का बाप बना होना तो एहसास हुआ है कि बेटी का दर्द क्या होता है। मेरी बेटी के पास सब कुछ है, सब कुछ बेटी के पास, लेकिन उसकी खुशियां तुमसे मुझसे लेकर दिन बेटा, आई लव माय डॉटर, प्लीज मेरी भाभी को
अधीर बेटा, व्हाट एवर वी हैव, जो कुछ हमारा है वर राबिया, प्लीज प्लीज, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मैं गुनाहगार नहीं हूं। ये बात आप राबिया और अलीना दोनों से पूछ लीजिए। क्या गुनाह किया है मैंने, भी सब मुझे गुनाहगार ठहराते, क्यों बताए क्यों? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी ने यह मालूम करने की कोशिश नहीं की कि मुझे भी तकलीफ हो सकती, मैं किन तकलीफों से गुजर रहा हूं। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा सकता। जब बेटियां बाप से गम छिपाने लगे तो बाप कहीं जाने के लायक नहीं रहता। अबू आप तो खामखा परेशान नहीं हो रहा, मैं जानता हूं कि अदील ने तुम्हारे साथ धोखा किया। आप प्लीज इस तरह मत सोचिए। क्यों नहीं सोचूं मैं? ऐसा उसने सिर्फ राव की बेटी के लिए किया है ना, इसलिए कि राव अपनी बेटी को बहुत कुछ दे सकता है, बहुत ज्यादा, कम से कम मुझसे ज्यादा। नहीं अबू, आप अदील के बारे में इस तरह मत सोचिए। काश मैंने ऐसा पहले सोच लिया होता, काश मैंने कोई राय काम करते हुए सोच लिया होता। लेकिन एक बात याद रखना, मैं राव को अपनी बेटी की खुशियां छीनने नहीं दूंगा, उसको छीनने नहीं दूंगा। अब्बू, वेलकम माजसा, वेलकम। आप किस तरह अचानक, आइए ना बैठिए। क्या समझते हो माजसा आप? हाँ मैं, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं आपके सामने इस जबान में बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी जबान सुनने की आदी नहीं है ना आप। तो तुम भी मुझे धमकी देने आए हो? नहीं रहा, मेरी इतनी हिम्मत और औकात का, मैं तुमसे इल्तिजा करने के आया हूं कि खुदा के लिए मेरी बेटी की खुशियां मत छीनो। क्या नहीं है तुम्हारे पास हा? सारे दुनिया की दौलत तुमने इकट्ठी कर ली है, इस शहर के बड़े बड़े लोगों में तुम्हारा शुमार होता,
तुम्हारी बेटी के लिए सारे रास्ते खुले हैं राव, तुम उसे सब कुछ दे सकते हो। मैं बहुत मजबूर हो रहा हूं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सका। खुदा के लिए रहा मेरी बेटी से अदील को मत छीनो, उसने अदील को हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया है उसने। काश मैं आपको अपना सीना खोल के दिखा सकता, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कितना मजबूर हूं। काश मैं आपको बता सकता, काश मैं, मेरे बस में होता तो मैं अदील को ऐसी जगह गायब करवाता जहां उसका नामो निशान भी ना मिलता। अरे वो मेरी राबिया के काबिले कहां है। लेकिन बाजी साहब बहुत मजबूर हूं, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूं, मैं उसे किसी भी कीमत पर दुखी नहीं कर सकता। अदील मेरी नहीं उसकी पसंद है, और मैं ना चाहते हुए भी उसे नाराज नहीं कर सकता। वाह राव साहब वाह, क्या बात कही आपने, यानी आप उस शख्स को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हैं जिससे जिससे आप नफरत करते हैं, इसलिए कि वो आपकी बेटी की पसंद है। राव साहब अलीना भी एक बाप की बेटी है, उस बाप के भी कुछ जज्बात ऐसा साथ है, लेकिन आपको उन ऐसा साथ करके आप आपके सीने में तो दिल ही नहीं। माजी साहब नहीं, ऐसा मत कहिए, आपको शायद मेरे गर्व का अंदाजा ही नहीं है। आप जिसे बात कर रहे हैं वो राव तो कब का मर चुका, जब से मुझे अपनी बेटी के दुख का एहसास हुआ है मैं कटके रह गया हूं। आप इस वक्त राव से नहीं, एक बेटी के मजबूर बाप से बात कर रहे हैं जो कि शायद आपसे भी ज्यादा मजबूर है। लेकिन राव साहब आप ना, ना कुछ ना कहिएगा माजी साहब, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, अपनी बेटी से कहिए कि वो भी मुझे माफ कर दे। लेकिन खुदा रा मेरी राबिया को दिल से जुदा मत कीजिए, मेरी राबिया को दिल से जुदा मत कीजिए, प्लीज अब बताइए आप कहां गए थे। तेरी खुशियों की भीख मांगने के लिए गया था,
कहाँ? राव के पास। अप्पू? लेकिन बेटा वहां जाके मुझे पता चला कि वो तुम मुझसे बड़ा भिखारी है। मेरे कशकोल में तो मालिक ने बहुत कुछ था, मैं वो तो खाली था, मन है खोखला है, काबिले रहम है। हमने देखा है वो कि कभी कभी हालात हमारी सोच से कितने मुख्तलिफ होते हैं। हाँ बेटा, लेकिन एक बाप की मजबूरी को एक बाप ही समझ सकता है। मैंने सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने रख दी है। अगर तुम मुझे गुनाहगार समझती हो तो कोई भी सजा सुना सकती हो, और अगर तुम मुझे गर्दिश हालात का शिकार समझती हो तो माफ कर देना। मैं कितना बदनसीब हूं, मुझे अपने ख्वाबों की कितनी खौफनाक ताबीर मिली है। काश मैंने अपने मुंह से बाहर जाने की ख्वाहिश ना की होती, अपने सीने में कोई सपने ना सजाए होते। मैं तो अपने घर वालों की जिंदगी संवारने के लिए आया था यहां, अपनी बहनों के हाथ पीले करने का सामान जमा करने, और मैं कितना रुसवा हूं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा दी, इसमें मेरा तुम्हारा या राबिया का कोई कसूर नहीं है। हालात हमें यहां तक ले आए। अदील, तुम्हें पता है सारे अरसे में मैं राबिया को तुमसे ज्यादा जानने लगी हूं। एक औरत होने के नाते वो किस कर्ब से गुजर रही है इसका अंदाजा है मुझे अच्छी तरह से। उस बेचारी को प्यार मिला ही कब है, ना मां से ना बाप से और ना ही किसी और से। फिर तुम उसकी जिंदगी में आए और उसको दुनिया जहान की खुशियां मिल गई, और अगर किसी ने तुम्हें उससे छीन लिया ना तो मर जाएगी। लीना, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी के बड़े सपने सजाए थे, मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे थे कि हम दोनों। नहीं अदील, इंसान के बस में सिर्फ ख्वाब देखना होता है, ख्वाबों की ताबीर नहीं। और मैंने इन सारे मामलों पर बहुत गौर किया और मुझे अपने मुकाबले में राबिया ज्यादा हकदार नजर आती है। तुम वापस लौट जाओ दिल, उसको टूटने से बचा लो। ये तुम क्या कह रही हो लीना? मैं ठीक कह रही हूं, और फिर मेरा क्या है? मुझे तो प्यार की कोई कमी नहीं है ना, इतने प्यार करने वाले तो हैं मेरे इर्द गिर्द, मामा है, अब्बू है,
भाई है। दादी माँ कितना प्यार करते हैं मुझे। है ये जुल्म किसी को तो बर्दाश्त करना ना अदील। राबिया बेचारी इस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम हिम्मत पकड़ो, जाओ उसके पास, तुम्हारा इंतजार कर रही है अदील। चले जाओ। मैंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। तुमने तो मेरी शायद कुदरत ने हमारा टूटा हुआ रिश्ता हमारी जमीन से दोबारा जोड़ने का फैसला कर दिया। अलीना, मेरा दिल भी यही चाहता, शायद ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि हम सब वापस। बिटिया, में तुम्हारे दुख का अंदाजा है, शायद कुदरत इस दुख के वजह में किसी और वो इनाम हमारा घर वापसी का इनाम। अहमद भाई हमेशा कहा करते थे कि आसिफ और बंटी की शादी पाकिस्तान में करेंगे, शायद कुदरत ने उनकी ये सुन ली। अम्मी जान की दुआएं रंग लाई है। मामा, जिंदगी दुख सुख की धूप छाओं का नाम है। क्या मिला हमें यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री से पापा क्रॉसिंग पर आके आपको घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। और लीना, बेटा कुदरत के खेल बड़े निराले होते हैं, शायद उसने बंटी को रास्ते पर लाने के लिए सारा मेला रचाया हो। और वो नायला जो हमेशा जिद किया करती थी कि हमें इंग्लैंड आ जाना चाहिए, अब खुद पाकिस्तान जाने पर बेजर है। मेरा खुद बहुत अच्छा आ रहा था उनसे मिलने को। राबे, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी यादों के साथ अलग हो जाए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। राबे, मैंने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर लिया। व्हाट? लेकिन अदील तो तुम्हारा था, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। Why are you doing this? सब कुछ तुम मेरे लिए ना? अपने लिए मोहब्बत कुर्बानी मांगती है ना? काश मैं आपको बता सकती कि आपके इस फैसले से मुझे कितना खुशी हुआ है। मैं अंदाजा कर सकता हूँ बेटी, बाप हूँ तुम्हारा। आसिफ को तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी के लिए एक फरिश्ता बनाकर भेजा है बेटी।
वो जब से हमारी जिंदगी से मंसूब हुआ है, एक एक करके अल्लाह ने हमारे सारे काम पूरे कर दिए। नायला बेगम, जिंदगी में तुम्हारा एक सही फैसला सारे गलत फैसलों पर भारी रहा। नहीं अहमद, इसमें हमारी प्यारी बेटी का भी हिस्सा है। आसिफ इसे भी तो पसंद था। हाँ, शुक्र है खुदा का। मैं तो ये दिन देखने के लिए तरस गया था। चलो, उम्र के इस हिस्से में ही सही, वालदेन की खिदमत का कुछ तो मौका मिलेगा। हाँ अहमद, आखिर इंसान कब तक मसरूफ जिंदगी जी सकता है। सही किया मामा आपने, मनी प्लांट कितना खूबसूरत क्यों ना आए, उस पर पर्ल और फूल तो नहीं लगते, उसे तो सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बंटी, जिस दरख्त की जड़ें अपनी जमीन में गहरी नहीं होती, वो अपना वजूद कभी बरकरार नहीं रख सकता। और हमारी जड़ें हमारे पाकिस्तान में है। खाना शुरू करो बेटा, फिर पैकिंग भी करनी है। लीजिए प्लीज। थैंक यू। मुझे इतनी हैप्पीनेस दी है, सो मच, तुम्हें इमेजिन नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स में सुलह हो गई है, दे टुगेदर अगेन, मेरा बिखरा हुआ स्कैटर्ड घर एक दफा फिर इकट्ठा हो गया। दिल, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है खुशी दी है तुमने मुझे, उसके लिए आई वाज डाइंग, मैं तरस रही थी। अदील, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई कांट थैंक यू एनफ। राबिया, ये सब अलीना की कुर्बानियों का सिला है। She's great. अभी शायद मैं इस काबिल भी नहीं था। नहीं, नहीं, please don't say that. Oh, forget about everything. आओ, आओ, मैं तुम्हें मम्मी नीतानी से मिलवाती हूँ। आओ, please come. मेरे मम्मी डैडी एक छत के नीचे इकट्ठे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुमने हमारी स्कैटर फैमिली को इकट्ठा कर दिया है। मैं इतनी अच्छे से संभाल पाऊंगी। आओ बेटा, आओ। तुम तो भागे मुझसे। बस बेटा, अब तो यही एक ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग शादी करें। जी जी। अदील, ऑल माय लाइफ आई विश्ड फॉर वन थिंग, सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश की है मैंने, कि मेरे पेरेंट्स मुझे मिलकर प्यार दें और हम लोग एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे जिंदगी
जिंदगी गुजार सके। मैंने सारी उम्र मसनूई सहारे तलाश किए हैं। This is what you've given me, Adil. This is what you've given me. सारी उम्र जिस चीज के लिए मैं तरसती रही हूँ, I've been dying for it. This is what you've given me. You've given me everything. No idea. मैं अंदाजा नहीं है. And I don't know. इसके बदले मैंने तुम्हें क्या दिया है? कुछ नहीं. लोग जा रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो इतने जल्दी वतन वापस लौट रहे हैं। आप भी एक दिन जरूर लौटेंगे और हम वहां आपके मुंतजर होंगे। नहीं माजिद साहब, सुबह कबूला शाम को वापस आ जाए तो उसको बूला नहीं कहते। यहां तो शाम ही गुजरी। साइकिल ऑयल इंजन को साफ और बेआवाज रखे।